जय श्री राम। क्या जगदीश जी, क्या हाल है? आप बात करना चाह रहे थे जी, आपका मैसेज था, बात करना चाह रहे हैं। बस वही आपका आभार मानना था कि आपने वो हमारी बहन का हेल्प कर दिया, प्रगति जी का बड़ा अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला है, मकरंद जी से और श्रद्धा तिवारी जी हैं डीसीपी जोन 2, तो उनके सामने तो फोन गया था और जाके भी आई है और ठीक चल रहा है। आपका आभार करने के लिए, आपका आभार मानना चाहिए एक बार। नहीं, कोई आभार मानने की जरूरत नहीं है। हर दुखी आत्मा की ऐसा नहीं होता है, हर दुखी आत्मा की मदद करना एक दूसरे का फर्ज है। फिर भी देखिए, आपने हमारी मदद की तो ये हमारी फर्ज है कि हम आपको बता दें कि अच्छा हुआ और आपको मदद मिल रही है पूरी। और कल अनिल बुलचंदानी से भी बात हुई मेरी, जो आपके ग्रुप में है, तो वो भी बड़े अच्छे व्यक्ति सज्जन है। ये बोले 24 घंटे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, मैं भी हेल्प कर दूंगा। हाँ हाँ, अब तो बस आपके पास आना, आपके बच्चन का अभिलाषी हूँ। थोड़ा सा घर में एक वेडिंग का 19 दिसंबर का फंक्शन है, 19 मार्च का रिसेप्शन। हाँ हाँ, तो खत्म होते ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। जरूर आइए, जरूर आइए। और मुझे लगता है कि बात करनी है मेरी एयरलाइंस के बारे में भी, थोड़े लोगों से बात करनी है, चालू करना है। वो भी मैंने रामदूत नाम रखा है, तो काफी लोगों को तकलीफ हो रही है कि नहीं ये हिंदू नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब मेरे भगवान का नाम है, वो चलेगा चलेगा चलेगा। ब्रांड नेम भले कोई भी रख लूँ, ब्रांड नेम में कुछ भी रख लूँ, लेकिन कंपनी का नाम तो वही रहे। उसे क्या कर रहे बताइए, ये रामदूत एयरवेज नाम लगता है तो कोई गलती है क्या? उसमें बिल्कुल नहीं है, का नाम लगा बिल्कुल भी नहीं है। कहा उसमें मैंने कहा कि ये हिंदू की एयरलाइन है, बिल्कुल ठीक बात है। अलग है, मुझे समझ नहीं आता है क्या करना है। रामदूत का मतलब है लॉर्ड हनुमान, जो कि वायुपुत्र भी है। बिल्कुल, जिसकी मदद हनुमान वायुदूत आता था, मैं वायुदूत हैंडल करता था, तब से मेरे दिल में ये इच्छा जागी है कि अपना नहीं नहीं रामदूत जो है वायुपुत्र हनुमान कहलाए, ठीक है ना? तो आपने रामदूत कहा है तो राम का नाम नहीं है, वीर हनुमान का नाम है। और महाभारत महाभारत में जो ध्वज था, जिसपे की जिस रथ पे जो है कृष्ण भगवान सारथी थे, उसमें पताका पे हनुमान जी विराजे हुए थे। तो यदि आपको याद हो कि जब जो है अर्जुन तीर मारते थे तो कर्ण का रथ जो है दो चार जो है गज पीछे चला जाता था, राइट? और जब वो तीर मारता था तो ये इनका रथ भी एकाध गज पीछे पहुंच जाता था, ठीक है ना जी? और कृष्ण भगवान हमेशा कर्ण के तीर की प्रशंसा करते थे, राइट? और अर्जुन जब तीर मारते तो उस पर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया देते नहीं थे। तो अर्जुन को लगा कि भाई आप तो जो है, मैं इतना बड़ा धनुर्धारी हूँ और मेरे तीर से जो है कर्ण का रथ जो है पीछे चला जाता है, और वो भी कई गज पीछे जाता है, और उनके उसे मेरा एक आध गज या कुछ इंच पीछे आता है, और आप उसकी तारीफ करते हो, मेरी तारीफ नहीं करते जी, जी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे रथ पे मैं खुद विराजमान हूँ, ठीक है ना? देखा जाए तो ये रथ पहले ही नष्ट हो चुका है, ये तो मेरी माया से जागृत है, ठीक है ना? और आपके रथ में ऊपर पताका में हनुमान जी बैठे हुए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यदि हनुमान जी इस पताका से उस समय के लिए विलोपित हो जाएं तो आपका रथ रसातल में चला जाएगा। कितनी ताकत है कर्ण के तीर में, ठीक है ना जी? और इतनी ताकत है वीर हनुमान के वहां विराजने में। तो आपने जो है रामदूत बिल्कुल बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि रामदूत के साथ साथ वायुपुत्र भी है और रक्षक भी है, तो बलशाली भी है, तो सभी दुष्टों से आपकी और आपके वायु आपका जो एयरलाइन है उसकी भी मदद करेंगे, और आपकी वायु जो है वो हनुमान जी के वेग से, हनुमान जी के बल से, उनकी शक्ति से बढ़ेगी भी, समृद्धशाली भी होगी, और लोगों को एक अच्छी सेवा भी देगी। जी है कि नहीं जी? चलिए, आप जो है मैं तो ये चाहूंगा कि देखो, बाकी सब चीजें छोटी मोटी हैं,
ठीक है ना, बड़ी चीज होगी कि क्या हम एक अच्छी व्यवस्था जिसमें मानव विकसित हो अपने पूरे पोटेंशियल तक, क्या ऐसी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं। और ये वर्तमान व्यवस्था के तहत बिल्कुल भी संभव नहीं है। और चूंकि चाहे वो दुष्ट पार्टियां हो या दुष्ट नेता हो, क्योंकि वो उसका लाभ ले रहे हैं, तो वो जनता के हित के परिवर्तन व्यवस्था में आने ही नहीं देंगे। और उसका केवल मुझे एक ही तरीका दिखाई देता है कि इन्हें विवश किया जाए, राइट। तो इन नेताओं के सामने आप बहुत छोटे मोटे व्यक्ति हैं, आप उन्हें विवश नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास बदान और शक्ति अवेलेबल ना हो। और डेमोक्रेसी में ये शक्ति का नाम है जनशक्ति। तो हमें अपनी वार्तालाप सरकार या उसकी तरफ ना रख के जनता की तरफ रखना चाहिए। और जनता को हम में से हर किसी को अपने अपने उस माध्यम से उसे जोड़ना चाहिए। यदि हम सब लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में 1-to-1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बदलाव आएगा और हम इन नेताओं को विवश कर पाएंगे। बिना विवश किए ये नेता अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने सब चीजें अपने लिए जुगा ली है, अपने चारों तरफ गुंडों का एक कवच बना लिया है। ये गुंडे जो है इनके खिलाफ कई स्थायी वारंट है, ये मंचों की शोभा बढ़ाते हैं, फूलमालाएं पहनते हैं, भाषण देते हैं, और जिस पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए वो उल्टा इनको सलूट करती है। ये जनता पर अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, और जनता असहाय जैसी बैठी रहती है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो थाना है, पुलिस है, वो कोई इनकी मदद करते नहीं है। लिहाजा इस बदलाव को जो रास्ता मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि जनता से जुड़ाव, जनता को जोड़ना, और हम सभी को अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी 10% एनर्जी डेली बेसिस पे इस पे लगाएंगे, तो शायद हम 2 साल के प्रयास से शायद सरकार को भी विवश कर पाए। और यदि सरकार नहीं विवश होती है तो हम वो बदलाव अपने दम पर ला सकें जो ये उस नेता कभी नहीं आने देना चाहेंगे, है ना। आप चलो तो मेरी तरफ से प्रयास चालू हो गए हैं। अच्छा, बात हुई तक पूरा ये कर रहा हूँ। हाँ, तो आप जो है 15 मार्च तक का वेट नहीं करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर लगाइए। और 15 मार्च के बाद ज्यादा सख्ती से लगाइए। और हमें सभी लोगों को प्रेरित करना है और जनता के से ही शक्ति प्राप्त करना है। बिना शक्ति प्राप्त किए हुए ये नेता आपको तोड़ देंगे, आपको नष्ट कर देंगे। सर हमारे ऐप का भी चालू हुई है, ऐप जो एक बनाने वाले हैं आप, वो कभी हो जाएगा, वो कभी शुरू हो जाएगा। हाँ, उसमें भी आप जो है ना, यू कैन प्ले सम रोल इन दैट आल्सो, अपन चर्चा करेंगे। वो तो हो जाएगा, उसके अलावा हम कोई ये अच्छे अच्छे लोग जो हैं उसको जोड़ना चाहते हैं। पहले हम आपको भेजते हैं, फिर आप देखिए, आप जोड़ना, उनको जोड़ना मुनासिब है नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल मुनासिब है। देखिए, डिप्टी कमिश्नर है, रेलवे के हैं, या कोई, मैं आपको बताऊं, आदमी अच्छा बुरा नहीं होता है, आदमी के कुछ तत्व अच्छे बुरे होते हैं। जी, आप ये बात समझ रहे हैं। हाँ, तो हम अच्छे बुरे तत्व होते हैं, कहते हैं राजसी तत्व, राजसी गुण, ये गुण और वो गुण। तो हर व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है, यदि हम उन अच्छाइयों को खोजने की कोशिश करें और उनको जोड़ने की कोशिश करें, तो हम व्यक्ति से घृणा ना करें। व्यक्ति अच्छा बुरा हो सकता है, उस बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होगी, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई बुरा व्यक्ति भगवान ने पैदा ही नहीं किया।
राइट। तो हमें जो है बहुत ज्यादा ध्यान इस बात पे नहीं देना है, हमें ध्यान देना है लोग को जोड़े, और हर किसी का प्रभाव क्षेत्र है, वो प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़े और हम कुछ महीनों में ही करोड़ों की संख्या में पहुंच पाएंगे, तब हम कुछ बदलाव का आधार बन पाएंगे। बिना उसके बदलाव असंभव है। मतलब इन्होंने पूरे सिस्टम पे इस तरीके से कब्जा कर लिया है कि हम सभी लोग असहाय प्राणी हो गए। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। तो चलिए जगदीश जी, हम सभी अच्छे लोग मिलके और अच्छे बुरे सभी लोग मिलके उस बदलाव का आधार बने। मैं बुरे को भी बाहर नहीं कर रहा हूँ, बुरे की बुराई को दूर रखो ना, उसके अच्छे अंश को ग्रहण करके साथ लेके चलो। जी जी, मैं सुझाव भेजता जाऊंगा, देखिए आप फिर उसको जोड़ना। जरूर 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 आप दें और अपन उसको जो है युद्ध गति से बनाए। और उसमें जो आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप में अपने मिलने के लिए अनुमति दी है, उससे भी कई अच्छी प्रोफाइल से लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल केवल उसमें यही है कि हमें बिना विश्राम किए हुए इसमें भिड़ना पड़ेगा। बिल्कुल है ना। बिल्कुल हाँ जी। चलिए जी, चलिए हम लोग अपना संकल्प लेते हैं कि हम जरूर अपने महामिशन में कामयाब होंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।